महादेव बैटिंग ऐप को लेकर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और नेताओं के नाम सामने आ चुके हैं और इस मामले में ईडी ने कई लोगों से पूछताछ भी की है। महादेव बैटिंग ऐप को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम भी सामने आया था और अब इस मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। दरअसल ईडी के बाद अब बैटिंग ऐप के कथित मालिक शुभम सोनी ने भी भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए रिश्वत देने की बात कही है। बता दें, शुभम सोनी ने दुबई से एक वीडियो बयान जारी किया है। इसमें उसने कहा कि अपना काम करवाने के लिए उसने भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए नगद भिजवाए थे। इसके साथ ही उसने ये भी कहा कि वह भूपेश बघेल के कहने पर ही दुबई गया था और वह अब अपने देश वापस आना चाहता है। चलिए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा महादेव बैटिंग ऐप के मालिक शुभम सोनी ने। मैं शुभम सोनी बोल रहा हूँ और मैं महादेव बुक का ओनर हूँ। ये रहे उसके डॉक्यूमेंट्स। और ये मेरे आधार डॉक्यूमेंट्स हैं। ये मेरा पास आधार कार्ड है। ये मेरा पैन कार्ड है। और ये मेरा पासपोर्ट है। और महादेव बुक का ओनर मैं ही हूँ। ये आपको डॉक्यूमेंट दिखा दिया मैंने और 2021 में इसको मैंने चालू किया था। ये उसका पूरा डॉक्यूमेंट है। मेरा गैम्बलिंग का काम बहुत अच्छे से चलने लगा था फिर भिलाई में, और ये तो बहुत ही छोटे से काम चालू हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे काम बढ़ता गया। अब काम बढ़ता गया उसके बाद हमारा लाइफस्टाइल भी चेंज होता गया क्योंकि पैसा बहुत आ रहे थे, तो सब नोटिस करने लगे मेरे, मतलब जो आसपास के लोग हैं वो लोग नोटिस करने लगे। धीरे धीरे बात ऊपर तक गया तो फिर कंप्लेन वगैरह भी होने लगा। तो फिर ऐसा हुआ कि अब प्रोटेक्शन का जब बहुत ज़रूरत था हमको, क्योंकि लड़के भी अंदर हो रहे थे कुछ कुछ। तो उसके बाद मुझे पता चला वर्मा जी के बारे में, फिर मैंने उनसे मीटिंग की। वो बोले कि चलो करते हैं कुछ। फिर उसके बाद भी लड़के नहीं छूटे। फिर मैंने वापस कॉल किया उनको, तो वो बोले कि भैया लगता है अभी यहाँ से काम नहीं होगा, मैं चलो आपको किससे मिलवाता हूँ, ऐसा करके बोले हो। तो बोला ठीक है सर, मिलवा दीजिए, बस लड़के लोग को बाहर निकलवाना है। तो वो मेरे को लेके गए, साथ में लेके गए रायपुर। मैं बोला ठीक है मिलवा लो भैया जिससे भी मिलवाना है। तो वो बोले कि चलो अब मिलवाता हूँ। हम गए साथ में, वहाँ पर सीएम सर और बिट्टू भैया से हमारा मीटिंग हुआ। मैं सितंबर 2020 में दुबई आया। जैसा कि मेरा मीटिंग हुआ था सीएम साहब से, तो उन्होंने बोला था कि दुबई जाओ, अपना काम बढ़ाओ और वहाँ मीटिंग करो जाके। तो मैं गया और मीटिंग भी हुआ मेरा कई लोगों से। तो दो लोग के साथ मेरा यहाँ बिजनेस भी सेट हो गया और अच्छा खासा काम भी बढ़ने लगा, सब कुछ ओके चलने लगा, जैसा सीएम साहब बोले थे सब बढ़िया हो गया। जब उन्होंने मुझे दुबई भेजा कि वहाँ जाके अपना काम सेटल करो, लोगों से मिलो, तो मैं गया, मिला भी और मेरा काम भी बहुत अच्छा सेट हो गया। उसके बाद हुआ ये कि कुछ दिन तक तो अच्छा चला, उसके बाद फिर प्रॉब्लम आने लगा मेरे काम पे। हमारे लोग अंदर होने लगे और छूट ही नहीं रहे वो लोग। मैं फ़ोन लगाए जाता हूँ, परेशान हो रहा हूँ। तो वापस मैंने वर्मा जी को फ़ोन लगाया, तो बोले कि चलो ठीक है आप भिलाई आ जाओ, आपका मीटिंग कराते वापस से। अब मैं डर से पहुंच गया भिलाई कि लोग बाहर आ जाएंगे करके। तो वर्मा जी से मैं मिलने गया। वर्मा जी और गिरीश तिवारी मुझे मिले रायपुर एयरपोर्ट रोड पे। वो फिर लेके गए, वर्मा जी तो वहीं उतर गए, फिर गिरीश तिवारी मुझे लेके गए। हमारे उस समय के SP हैं प्रशांत अग्रवाल जी, उनसे जाके मेरा मीटिंग कराया। अब मैं उनको अपना प्रॉब्लम पूरा शेयर किया, तब वो फ़ोन घुमाए और उसके बाद वो बात किए। लाउड स्पीकर में ही था फ़ोन, तो सीधा सीधा आवाज़ तो समझ आ ही रहा था, हमारे बघेल जी का ही आवाज़ था वो। तो पूरा प्रॉब्लम बताने के बाद उन्होंने वहाँ से ये बोला कि कैसे रे सोनी, तेरे को मैं वहाँ भेजा था दुबई काम सेट करने के लिए, तू तो मालिक बन के बैठ गया है, शेख बन गया क्या वहाँ का। अब मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, एकदम मुँह उदास सा हो गया। तो मैंने यही बोला कि सर हम तो छोटे आदमी हैं, आप बताओ क्या करना है, जैसा बोलोगे हम वैसा करेंगे। तो बस वो यही बोले कि ठीक है आप प्रशांत जी से बात कर लो, वो आपको बता देंगे क्या कैसे करना है।
मैं बोला ठीक है सर। उसके बाद हम चल गए वहाँ से। उसके बाद प्रशांत अग्रवाल जी से तो डील हो गया था कि क्या कैसे देना है, और वो सब तो मैंने अपने रिटर्न स्टेटमेंट में भी बता दिया है, उसमें लिखा भी हुआ है सब कुछ रिटर्न स्टेटमेंट में, क्या मैंने किसको दिया है, कैसे दिया है, किसके सोर्स से दिया है, हर कुछ लिखा हुआ है। तो प्रशांत अग्रवाल जी के जब मेरा मीटिंग हुआ उसके बाद से मैंने अब तक 508 करोड़ रुपए दे चुका है। हमारे भगेल साहब, बिट्टू भैया और उनके जो लोग हैं उनको मैंने 508 करोड़ रुपए दिया है। उसके बाद भी मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरे काम में डिस्टर्बेंस हो रहा है इतना ज़्यादा, मैं इतना परेशान हो गया हूँ ये सिस्टम से, अब क्या करूँ समझ नहीं आता है। महादेव बैटिंग ऐप मामले में शुभम सोनी के दावों और आरोपों के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जवाब भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मैं इस व्यक्ति से ना ही कभी मिला हूं और ना ही इसे जानता हूं। वह किसी सभा समारोह का हिस्सा रहा हो तो ये मैं नहीं कह सकता। भूपेश बघेल ने कहा कि यह सिर्फ मुझे बदनाम करने के लिए कराया जा रहा है। सोशल मीडिया पर शुभम सोनी के वीडियो वायरल होने के बाद भूपेश बघेल ने एक्स पर लिखा, एक वीडियो में एक व्यक्ति ये दावा कर रहा है कि वह मुझसे मिला है और मैंने उसे संरक्षण देने का आश्वासन दिया और उसे दुबई जाकर व्यवसाय करने का भी सुझाव। मुझे आश्चर्य है कि एक अनजान व्यक्ति के बयान को सभी जिम्मेदार टीवी चैनल किस आधार पर चला रहे हैं, सिर्फ इस आधार पर कि इसमें मेरा नाम है। क्या यह मानहानि का मामला नहीं है? उन्होंने कहा, यह कोई रहस्य नहीं है कि यह वीडियो क्यों आया और कैसे आया, और यह भी समझना कठिन नहीं है कि चुनाव के वक्त ऐसा बयान भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए ही जारी किया गया है। यह भी हर कोई समझ रहा है कि ईडी को हथियार बनाकर ही ऐसा किया जा रहा है। दरअसल भाजपा अब ईडी के सहारे ही चुनाव लड़ रही है और मुझे बदनाम करने के लिए ईडी का इस्तेमाल कर रही है। आपको बता दें कि ईडी ने कुछ दिनों पहले रायपुर और भिलाई से 5,39,00,000 रुपए जब्त किए थे। ईडी के अनुसार यह रुपए भी शुभम सोनी ने भूपेश बघेल के लिए ही भिजवाए थे। ईडी के अनुसार शुभम सोनी के कहने पर ही असीम दास यह कैश देने के लिए जा रहा था। आपको बता दें ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस में शुभम सोनी वांटेड है और पुलिस काफी समय से उसकी तलाश कर रही है। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। अगर शुभम सोनी के दावे और आरोप सच निकलते हैं तो सीएम भूपेश बघेल के जेल जाने की संभावना भी बढ़ सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।